अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि जब से सीबी पालीवाल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया तब से लगातार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार सुर्खियों में बना रहा, कई बार पेपर लीक होता रहा। जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने दावा किया था कि हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो रुतबा है, जो विश्वसनीयता है, कोशिश करेंगे कि उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन अचानक रातों रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और चूंकि इसके पीछे उन्होंने कोई बड़ा कारण नहीं बताया है, उन्होंने ये बताया है कि व्यक्तिगत कारण है और वो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को मिल करके। दूसरी चीज़ ये है कि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप भी थे, जिसमें से 15 जुलाई को जो टीयर टू की परीक्षा हुई थी उसका एक दिन पहले 14 जुलाई को पेपर लीक हो गया था और उसकी जांच एसटीएफ ने की। तो एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये कहा था कि जो न्यासा कंपनी जिसने परीक्षा कराई थी टीयर टू की, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज के साथ जयप्रकाश पाठक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।